आज से कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया था कि आप अगर एमआई का स्मार्टफोन को यूज करते हैं, सावमी का स्मार्टफोन को आप अगर यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि गैलरी में एक इनबिल्ट एडिटर होता है जहाँ पे आप अगर चाहे तो अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। और प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि फाइल मैनेजर में अगर हमारा मल्टीपल गाने होते हैं तो जो एडिटर है वहाँ पे हम जब इम्पोर्ट करने जाते हैं म्यूजिक को, तब वहाँ पे जो फाइल मैनेजर का म्यूजिक है जो कि हमारे फोन में है वो वहाँ पे शो नहीं करता। उसमें हमने सॉल्यूशन बताया था कि कैसे आप जो म्यूजिक है उसे गैलरी में ला सकते हैं। उसका हमने सॉल्यूशन दिया था, वो उस वीडियो का आप अगर देखना चाहे तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो उस वीडियो में क्या है कि कुछ दिन पहले एक कमेंट ऐसा आ रहा था जहाँ पे हर्षित राज जी का कहना ये है कि वो जब म्यूजिक को ऐड कर रहे हैं उनका म्यूजिक ऐड हो रहा है, मतलब फाइल मैनेजर का जो म्यूजिक है वो वहाँ पे शो उनको हो रहा है, लेकिन जो म्यूजिक है वो जब वहाँ पे ओके का एक बटन होता है, ओके के ऊपर क्लिक करके म्यूजिक को इम्पोर्ट करना पड़ता है, वो जब ओके के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो जो म्यूजिक है वो आ नहीं रहा है। तो उनका कॉमेंट हमें मिला तो हमने सोचा कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए ताकि ऐसे अगर प्रॉब्लम बाकी और लोगों को भी होता है तो उनको भी सोल्यूशन मिल सके। और उन्होंने हमें एक स्क्रीन रिकॉर्ड भी भेजा ताकि हमें जो प्रॉब्लम है वो समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे हर्षित राज जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि कैसे हम जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारे जो एम आई का मतलब सावमी का जो फोन होते हैं और उनमें जो गैलरी में इनबिल्ट एडिटर होता है वहाँ पे आपको पता होगा कि म्यूजिक का बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट मतलब म्यूजिक के एंड में आपको देखने को मिल जाता है .mp3, .m4a, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सावमी का जो एडिटर होता है, जो गैलरी के एडिटर होता है, उसमें कुछ चुनिंदा ऐसे फॉर्मेट है जो कि सपोर्ट करता है सावमी एडिटर। उनमें से एक है MP3 और बाकी सारे ऐसे बहुत सारे होंगे। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि जो म्यूजिक है, म्यूजिक हम जब डाउनलोड करने जाते हैं तब हमें ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट में मिल जाता है जैसे कि M4A, MP3, ऐसे बहुत सारे म्यूजिक का फॉर्मेट होता है। तो ऐसे हम डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन जो हमारा गैलरी का एडिटर है वो कुछ चुनिंदा फॉर्मेट को सपोर्ट करता है जैसे कि MP3। MP3 को गैलरी का एडिटर सपोर्ट करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो म्यूजिक है उसका जो फॉर्मेट है उसे बस चेंज कर देंगे, मतलब लास्ट में जो होता है ना .mp3, .mp4, उसे हम बस चेंज करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे, वहां पे हम आपको दिखा देते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो कैसा आ रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए चलते हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम हमारे सावमी के फ़ोन में जो गैलरी का एडिटर है वो यहाँ पे ओपन कर लिया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि म्यूज़िक का जो साउंड ट्रैक ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे कस्टम म्यूज़िक का जो सेक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूज़िक का आइकॉन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फाइल का सारा म्यूज़िक है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम एक म्यूज़िक को ऐड करने जाएंगे, आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी ऐसा एक म्यूज़िक को ऐड नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक को चूज़ करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट जो म्यूज़िक का नाम है वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप म्यूज़िक को अभी सुन सकते हैं। तो आपने जो म्यूज़िक सुना यहाँ पे आप सुन ही सकते हैं कि ये एक कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है। तो इसे हम आप क्या करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ऑडियो फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड, ये जो ऑडियो फॉर्मेट है ये सपोर्ट नहीं करता है, हमारा जो गैलरी एडिटर है यहाँ पे ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या कर लेना है कि मिनिमाइज़ कर लेना है। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पॉपअप आ रहा था आपने देखा कि दिस फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, ये जो इरर आ रहा था ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक फ़ोन में ये इरर शो हो, ये इरर कभी कभी शो भी नहीं करता है। हमने भी कुछ देर पहले एक बार ट्राई किया था तब इरर शो नहीं कर रहा था, लेकिन फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करने के बाद हमारा जो इरर है वो शो कर रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इरर है वो ऐसे पॉपअप करके शो करे। तो आपको क्या कर लेना है, आपको आपका जो फाइल मैनेजर है फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको म्यूज़िक सेशन को ओपन करके वो जो म्यूज़िक है उसे आपको यहाँ पे निकाल लेना है कि कौन सा म्यूज़िक है। हम यहाँ पे जो म्यूज़िक है वो सिलेक्ट कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं म्यूज़िक है सिलेक्ट, आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट, आप देख सकते हैं कि .m4a इसका फॉर्मेट m4 है, लेकिन हमारे जो गैलरी का एडिटर है वो तो सपोर्ट करता है mp3। तो हमें यहाँ पे क्या कर लेना है कि इसका जो फॉर्मेट है उसे चेंज कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे आप देख सकते हैं मोर का ऑप्शन है, तो हम मोर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रीनेम लिखा हुआ है, तो हम रीनेम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं m4 है, m4a लिखा हुआ है, तो हम इसे MP3 रिनेम करके लिख देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने M4A के जगह MP3 करके यहाँ पे ओके के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे एक ऐसा वार्निंग आएगा कि इफ यू चेंज दिस फाइल एक्सटेंशन यू मे नॉट बी एबल टू ओपन इट। हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे MP3 को सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे MP3 हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो गैलरी एडिटर है वहाँ पे वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ पे कस्टम म्यूजिक का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। कस्टम म्यूजिक के ऊपर क्लिक करने के बाद वो सेम म्यूजिक को हम यहाँ पे सिलेक्ट करने जाएंगे। आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं सिलेक्ट म्यूजिक है, इसे हम अभी यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जो फॉर्मेट है उसे चेंज करने के बाद हमारा जो म्यूज़िक है वो आसानी से हमारा जो गैलरी का एडिटर है यहाँ पे आ गया है। तो आज इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि Xiaomi फोन का जो गैलरी में एडिटर होता है उसमें आप जब गाना को ऐड करने जाते हैं तो अब वहाँ पे अगर नहीं आता है तो कैसे आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।